हमारी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि जैसे महिला आयोग बना है उसी तरह एक पुरुष आयोग बनाया जाए। तो सुना आपने, ये शख्स देश में पुरुष आयोग बनाने की मांग कर रहा है। अब सवाल ये है कि शख्स को ये मांग क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे की कहानी क्या है। हम आपको बताते हैं कि इस आदमी के साथ कौन सी घटना हुई जिसके कारण यह पुरुष आयोग की मांग कर रहा है। मामला है अम्बेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना इलाके के परवर डी का, जहां रमेश चंद्र यादव नाम का आदमी अपनी पत्नी पर उत्पीड़न करने का इल्जाम लगा रहा है। दरअसल 2017 में रमेश की शादी रुचि से हुई थी, लेकिन रमेश का कहना है कि शादी के बाद ही रुचि ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। रमेश का कहना है कि पत्नी रुचि उसे और उसके माता पिता को परेशान करती है। इतना ही नहीं, वह घर से सारा सामान उठा ले गई है और हैप्पी नाम के लड़के के साथ रंगरलियां मना रही है। हमारी शादी 11/6/17 को हुई और शादी होने के बाद जब पत्नी हमारी घर आई तो हमसे कही कि हम शादी कर लिए हैं, हमारे घर वाले हमारी शादी ज़बरदस्ती किए हैं। अब बोली कि हमारा हैप्पी पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम भदया हिजामुद्दीनपुर पिपरा का निवासी है, जिसके साथ वो पहले से ही शादी कर रखी थी और यहाँ आने के बाद हमारे घर वाले को हमेशा परेशान करती थी और आई और इसके बाद अपने घर वालों को बुलाई और लेके चली गई घर से हमारे। और हमारा आपके घर से क्या लेके गई? हमारे घर से हमारा जो हम उसको जेवरात कपड़े आदि दिए थे सब ले गई, प्लस उसके घर वाले आए बोले कि नहीं चलेगा तो अपना सब सामान दे दीजिए। उसका जो भी उपहार संबंधित सामान लेके आई थी घर पे हमारे, सब वो हमारे घर से कई लोगों के सामने सब सामान लेके गई। अब क्या समस्या है आपको? अब समस्या ये है कि हमको पुलिस द्वारा अन्य इधर उधर से आदमी भी आते हैं, हमको यहाँ घर वालों को हमारे परेशान किया जा रहा है, गाली गलौज दिया जा रहा है और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते ये हैं कि महिला आयोग बना है जिसमें महिलाओं को सुरक्षित रखा गया है, उसका गलत भी उपयोग कर रही हैं, जिससे हम पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। और हम 2 साल से शादी, 3 साल लगभग हो गया शादी किए, और हम आए दिन परेशान हो रहे हैं ना। वो अपने हैप्पी पुत्र महेंद्र के साथ अपना संबंध बना के अच्छी तरह से रह रही है, और हम हमको हमारे घर वालों को सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान हैं हम लोग। चार जन के सामने कुछ मतलब ले गई ने सर सामान और फिर गहना गुड़िया वो ले गई, सब सामान ले गई ने, लेकिन जोन है पाछा ना छोड़त हूँ, मुकदमा जारी करत हूँ, दौड़ मैं परेशान करत हूँ, पुलिस थी हमारे द्वारे। सही है बाप, हम शादी कर वही घरे से मैं ड्रामा लगने कर रहे, हमारे शादी भई है हुए दूसरी हमें जबरदस्ती बाप माता हमारे शादी कर रहे हमें, हमारे जमा कुछ अतौन हम यहाँ दहले, लेकिन हमारे लिए पुलिस भेज थी, कहीं कुछ करे थी कहीं कुछ करे थी। तो लेन देन हो गया है आपका? हाँ सब लगे, हम गाँव वाले दस्खत कर दिल हमें, ये दुआरे का सामान कुल लगा लिया टाली पे, सब कुछ ले गए हैं, अब कोई बात ही हम। तो अब कौन आपको परेशान कर रहा है? मायाराम हमें, मायाराम की बिटिया है। हालांकि पत्नी रुचि ने पति रमेश के इल्जाम को सरासर नकार दिया है। रुचि का कहना है कि वह मुझे रखना नहीं चाहता, इसलिए मेरे चरित्र पर इल्जाम लग रहा है। क्या मामला है सर? वो हमें नहीं रखना चाहता, वो छोड़ना चाहता। कौन आपको नहीं रखना चाहता? रमेश चंद। क्या है रमेश चंद? हमारे हस्बैंड। शादी हुई थी आपकी? जी सर। उनका आरोप है कि शादी से पहले आपकी शादी हैप्पी पुत्र महेंद्र निवासी हिसामुद्दीन पिपरा से हुई थी। नहीं सर, ये गलत है, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अंबेडकर नगर से अनुज यादव की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।